रिया रिपली एलिमिनेशन चेंबर में चैंपियन के रूप में जा सकती है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग रिया रिपली के एलिमिनेशन चेंबर में चैंपियन के रूप में जाने को लेकर चर्चा की गई है। फिलहाल रिया रिपली के इतनी जल्दी टाइटल ड्रॉप करने को लेकर डिस्कशन नहीं किया गया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट मैच को लेकर एक अपडेट सामने आया है। जीरो न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंज के सर्वाइवर सीरीज में होने की संभावना नहीं है, इसलिए कंपनी ने मेंस वॉर गेम्स मैच को सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में करने का प्लान किया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और इस हफ्ते रॉ में एक बॉच हुआ था। जीरो न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस हफ्ते रॉ में आईसी टाइटल कंटेंडर मैच में बॉच हुआ था। मीज वर्सेस आईवार नेक्स्ट वीक रॉ के लिए बुक किया गया है, लेकिन ओरिजिनली इन दोनों के बीच नंबर वन कंटेंडर के लिए मैच होने वाला था, लेकिन आईसी टाइटल कंटेंडर मैच के फिनिश के कारण चेंजेस हुए और गुंथर वर्सेस द मीज सर्वाइवर सीरीज के लिए बुक किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा कि सर्वाइवर सीरीज के बाद आईवार को गुंथर के खिलाफ आईसी टाइटल शॉट मिलने की संभावना है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग इंटरनली फिलहाल शिंसुके नाकामुरा को सर्वाइवर सीरीज के लिए शेड्यूल किया गया है। सर्वाइवर सीरीज में उनका मैच होगा या सेगमेंट होगा ये पता नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्हें इंटरनली सर्वाइवर सीरीज के लिए शेड्यूल किया गया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग जेड कारगिल को रॉयल नंबर का हिस्सा बनाने का इंटरनल प्लान्स है। साथ ही WWE जेड कारगिल को टॉप स्टार के रूप में हैंडल करना चाहती है। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक है और मेंस वॉर गेम्स मैच को लेकर एक अपडेट सामने आया है। जीरो न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेंस वॉर गेम्स मैच 5 vs 5 होगा। अभी टीम जजमेंट डे और टीम कोडी में 4-4 मेंबर है। टीम जजमेंट डे के 5वें पार्टनर ड्रू मैकिंटायर होंगे और टीम कोडी के संभावित 5वें पार्टनर रेंडी ऑर्टन होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा कि टीम कोडी के 5वें मेंबर को पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज के दिन ही अनाउंस किया जाएगा और टीम कोडी के मिस्ट्री पार्टनर रेंडी ऑर्टन हो सकते हैं। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि टीम कोडी के 5वें मेंबर रेंडी ऑर्टन हो सकते हैं। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते के वीडियो थी आपसे देखने के लिए धन्यवाद।